इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो जी, बोलिए, क्या हाल है आपका? आपने पिछले आदमी से बहुत बदतमीजी की है। मैंने तो कोई आप बदतमीजी नहीं की। उसको ये बात समझ नहीं, गाली भी दी आपने। उसके पास अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप आराम से समझाए ना उसको। मैंने तो कोई गाली नहीं, तो मैंने आराम से ही समझाया। नहीं तो उसको इतना नहीं पता, तो इतना नाइव है तो आप उसको आराम से समझा सकती हैं। नाइव है वो? नहीं, मैंने आराम से ही आपको पता है मैं कैसे समझाती हूँ। आपको पता नहीं है क्या मैं कैसे समझाती हूँ? मैंने बड़े प्यार से समझाया है ये भी। हाँ, हर वक्त गालियां बीच में दे रही होती हैं आप ऐसे। मैंने तो कोई गाली नहीं दी। मैंने ये नहीं बोला, हाँ, दी आपने पहले भी। मैंने चीजों को चूतिया बोला, मैंने उसे चूतिया नहीं बोला। अच्छा चले छोड़े, आज का क्या टॉपिक है आपका? मुझे कोई टॉपिक नहीं, आप बोलिए, आपको क्या है, कुछ आपको कहना है, आप बोलिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप मुसलमान हो जाएं और ये जो गंदे काम आप कर रही है छोड़ दें। यहाँ पर कौन से बैठ के गंदे जो काम? बकवास कर रही, कौन से इस्लाम के गंदे खिलाफ काम? बात कर रही है, जो क्यों इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, क्यों? तो आपका क्योंकि इस्लाम वो इतना कमजोर है, मेरी बात करने से खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है ना। मैं क्या, मेरे 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 बात करने से क्या होता है? मैं तो इतनी, मैंने उससे क्या होता है? आप उसको रोके ना जिसके हाफ अ मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो इस्लाम के बारे में ज्यादा बोलता है, उसके बारे में उसको कौन, आपने कभी बोला किसके हाफ जाकर? मिलियन फॉलोअर्स हैं? किसके हाफ मिलियन फॉलोअर्स प्रॉफिट, उसको बोला है कभी जाकर आपने कि हैं? तुम क्या कर रहे हो? हाँ उसको भी लोग बोल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, आपने बोला है कभी जाकर? हमारे मुल्क में उसका चैनल नहीं चलता, इसलिए कौन सा मुल्क है आपका? जो भी है। तो बात कौन सा यह है मुल्क? कि सब वहां जगह चलता पाकिस्तान है, है, चैनल लगाओ, सब उसका नहीं जगह चलता। चलता है चैनल। ठीक है, उसको भी हम बोल देंगे। तो आप देखें ना, आज आप अपने आप को एथियस्ट बोल रही थी, जबकि कुछ अरसे पहले आपको ये नहीं पता था कि मैं एथियस्ट हूं या नहीं हूं। आप इस पे भी श्योर नहीं है। एथियस एग्नोस्टिक मेरे लिए एक ही चीज है। एथियस वो होते हैं जो किसी भी खुदा को नहीं मानते। एग्नोस्टिक वो है जो कहते हैं कि हाँ शायद कोई खुदा है, मगर आपका अल्लाह या राम ये नहीं है। मुझे डिफरेंस नहीं समझाइए, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ। चले ठीक है, अगर आप एथियस्ट हैं या अग्नोस्टिक जो भी हैं, लेकिन आप किसी को खुदा को नहीं मानती, इसके पीछे आपके पास क्या दलील है? यही तो दलील है कि भाई मुझे ये बताओ कौन सा खुदा आ रहा है? वो तो लालमीन होगा जो कहेगा औरत को मारो, मगर तुम चार बीवियां रख सकते हो, ठीक है ना? औरत को लौंडी बना लो क्योंकि वो काफिर है। कौन सा रहमत आलमीन की बात कर रहे हैं आप? कौन, मुझे बताओ कौन ऐसा, हम कहते हैं ना खुदा हमारे बाप की तरह है। अरे भाई मुझे कोई ऐसा पेरेंट दिखा दो जो अपने बच्चे के साथ ऐसी हरकत करेगा। यानी सारी सारी चीजें जो है मर्दों को दी है, औरतों को कुछ नहीं दिया। औरतें खेती हैं, इनमें जहां से आओ वो, क्या गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। लाइक इतनी गंदी तो मैं बातें नहीं करती जो आप मुझसे कह रहे थे। ये कौन कहेगा क्या कि हल चलाओ, खेती है मेरी, खेती है, जहां से आना है आ जाओ। नहीं, इन बातों का ये नहीं, मतलब तो नहीं है ना कि आप इस नजरिए को ही रद्द कर दें। आपके पास दलील क्या कि कोई खुदा नहीं है, इसके बारे में बात करें। कोई क्रिएटर बात नहीं है, तो इसके फिर बारे में मैं बात वही करें। बोलूंगी जब बातें ही चूतिया पे की होंगी और मेरा दिमाग मुझसे ये कहता है कि ये सेंस नहीं बन रहा है। मेरा दिमाग मुझे मजबूर करता है इस चीज पे सोचने के लिए कि अगर मैं एक औरत में इंसान पैदा करी गई हूं, मेरे पास भी एक ही दिल है, दो कान है, दो आंखें हैं, एक नाक है, वही फीलिंग्स हैं, वही सारी चीजें हैं, तो एक खुदा ही कैसे कह सकता है कि मैं कम हूं? और कहता है कि मेरा आधा दिमाग है। यानी उसको पता नहीं था उसने मुझे बनाया है। साइंस यहाँ पे कह हाँ रही है कि मेरा दिमाग वैसे ही है जैसा जैसा एक मर्द का है। एक्चुअली औरतें ज्यादा स्मार्ट होती हैं। अच्छा, औरतें ज्यादा स्मार्ट होती हैं। क्या कुछ किया हाँ, औरतों ने आज तक? क्या कुछ किया औरतों ने आज क्या तक? कुछ नहीं किया है औरतों ने? क्या कुछ नहीं औरतों किया का है? क्या दिमाग, करवाना चाहते हैं आप औरतों से? क्या कुछ नहीं किया है आप बताइए? बड़ी बड़ी साइंटिस्ट औरतें बैठी हैं, नोबेल आप कौन पीस सी, प्राइज देना चाहती हैं, आपने क्या किया कितने, है आप बताइए बताए ना। ना, नहीं आपने नहीं क्या आदमियों के किया साथ है? कंपेयर करें, बहुत सारी हैं और आदमियों ने भी वो आपने किया। क्या कितनी है? किया है? अच्छा बड़ी साइंटिस्ट का नाम बताएं औरतों की, तीन चार का, मुझे ऑन जितने टॉप आपको ऑफ बताएं। माइंड गुलजार पता है, गुलजार आदमियों के पता है ना, आदमियों के नाम पता है आपको?
है, गुलजार को पता है, गुलजार जी आप करो उनको। भाई कैसे हो आप, खैरियत से हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताए ना। हाँ देखें, फ्लोरेंस नाइट एंगल हैं, इन्होंने नर्सिंग में स्टैटिस्टिक्स में काम किया, मॉडर्न नर्सिंग में। फिर शेला शिलॉक हैं, ये ब्रिटिश फिजिशियन थी और इन्होंने काम किया है हेपेटोलॉजी में। जब खून का मसला आता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो, इन्होंने लैब में काम किया। फिर इसके बाद एलिजाबेथ गैरेट एंडरसन है, इन्होंने क्या किया, इन खातून ने, इन्होंने जो ल्यूकीमिया से बच्चे लोग मर जाते थे ना, उसका इन्होंने इलाज दरियाफ्त किया था, ठीक है ये। और इसके बाद एक और है, यूयू चाइनीज खातून है भाई, इन्होंने वो काम किया कि जो मलेरिया से लाखों लोग मर जाते थे, इन्होंने मलेरिया का इलाज दरियाफ्त किया है। इसके बाद जेन राइट हैं, ये भी सर्जन थी, इन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट किया इस सब के। मैं फिर एक और है ग्रेटर डिलियन, इन सब के मैं आपको नाम भेज देता हूँ, उनकी स्क्रीनशॉट भी मैं मैरिज को भेज देता हूँ, वो शेयर करना चाहें। ये तो देखो यहाँ यार पर, ये सारे औरतों ने नोबेल बहुत पीस काम किया प्राइज दोस्त। विनर्स हैं, ये नोबेल चले प्राइज इन ठीक है, केमिस्ट्री 2018, नोबेल प्राइज सोशियोलॉजी एंड मेडिसिन 2008, फिजियोलॉजी मेडिसिन, फिजियोलॉजी मेडिसिन मेडिसिन, ये देखिए कितनी औरतें चाहिए आपको। 2009, 1964 इन केमिस्ट्री, ये देखिए 1903 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ और आगे ये बढ़ते सारी हैं, औरतें हैं। 1935, 1986, 1983, ये कितनी औरतें चाहिए आपको? आपने क्या ठीक बनाया है मुझे बताइए, है, आपने आप क्या, आदमी कितने होंगे इसमें? आपने क्या आदमी तो बनाया बहुत आज, ज्यादा होंगे इसमें, आदमी कितने ज्यादा होंगे इनसे ये बता। आपने क्या बनाया? आदमी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि औरतों को सिर्फ 100 साल क्योंकि इन में जैसे लोग आजादी हैं, क्योंकि मानी मुझे दे बात हुए। पूरी करने दें इनकी बात। आप कह रहे हैं ना आदमी क्यों ज्यादा है, ये वो वाली बात हो गई कि अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी है वो ज्यादा क्यों नहीं अच्छी जॉब करते, क्योंकि उनके इलाकों में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, उनको पीछे रखा जाता है। इसी तरह जिस कम्युनिटी को पीछे रखा जाता है ना दोस्त, वो बेचारे उनको मौका नहीं मिलता। अगर औरतों को भी पूरी आजादी दी जाती, अब इनमें कोई भी देखो एशियन आपको मुसलमान औरत नजर नहीं आ रही, ये सारी काफिर औरतें, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये औरतों, अब सबसे बड़ी खातून है मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम एक्टिविटी पे काम किया था और इन्होंने कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया। तो जितनी आज कैंसर से लोग बचते हैं, क्रेडिट इन खातून पे जाता है दोस्त। आपके खुद रिश्तेदार किसी को शायद फायदा हुआ होगा इससे, तो आप ऐसा ना बोले, मौके की बात है, मौका जिसको मिलेगा ना वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि औरत और आदमियों के दिमाग में इंटेलिजेंस का फर्क है या मेमोरी का फर्क है, लेकिन फिर भी औरत और आदमी बहुत मुख्तलिफ हैं। आपका जिस तरह कुरान आदमी कहता है, मगर ये आपका कुरान कहता है, मतलब कि आप कुरान को नहीं मानते फिर नहीं, अपने, अच्छा कि औरत मालिज दिमाग मैं का नहीं, भाई, सुन इसके लिए आया हूँ ले मेरी भाई बात के लिए। पूरी। मालिज आपने प्राइवेट चैट पे मैंने एक हदीस शेयर की है, ये इस हदीस को अगर शेयर कर सकती हैं आप अगर लैपटॉप पर। हाँ एक सेकेंड में आ रही हूँ, ओके। हाँ तो हाँ जब जी तक आपने गुलजार पूछा साहब, औरतों के नाम बताओ, आपको हमने नाम भी बता दिए, नोबेल प्राइज विनर हैं सारी। मैरी क्यूरी को तो दोस्त दो नोबेल प्राइज मिले थे यार, दो फील्ड में मिले थे, ठीक है उसकी ठीक उनकी है, वो फिल्म मैं ही तो बात है। समझ गया सारी। हाँ आप चले देखे ना, अब नेक्स्ट आदमी, टॉपिक पे मैं आप आता ये हूँ। मानते हैं कि आदमी हाँ फिजिकली स्ट्रांग है, ये तो मानते हैं ना आप? जो देहात की औरतें होती हैं वो मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, बात होती है मौके और नहीं ये भाई, नहीं औरतों नहीं को घर नहीं, में बिठाया जाएगा नहीं है औरत फिजिकली स्ट्रांग तो नहीं हो सकती ना आदमी से, ये तो मानते हैं ना आप इस बात को, कोई भी आज। औरत। नहीं मैं ये आपका आर्गुमेंट इसलिए फेल्ड है कि आजकल जिस्मानी ताकत से ज्यादा दिमागी ताकत, अब एक गन है, ठीक है, एक छह दिमागी इंच की ताकत जो एक है, मिनट आपका जो टॉपिक है ना, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं। 6 इंच की गोली 6 फिट के आदमी को मार सकती है, अब ये बताएं 6 इंच की गोली है। आजकल फिजिकल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, जैसे आजकल औरतें जो है झाड़ू देने के बजाय वो हूवर चल रहा होता है जमीन पे। तो ये आर्गुमेंट छोड़ दें कि जिस्मानी कौन ज्यादा, और औरतें भी जिस्मानी ताकतवर हो सकती हैं, उनको सही नशोनुमा हो और वो पहलवान भी बनती हैं भाई, मर्दों ज्यादा भी लेकिन ताकतवर हो भाई, सकती है, सब्जेक्टिव है। आपसे और मुझसे ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकती ना। नहीं मेरे लिए पॉइंट इंटरेस्टिंग ही नहीं है ना, जिस्मानी मैं देख ही नहीं रहा हूँ, चले मेरे लिए ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं है ना। वो मैं अभी पूरी बात मेरी पूरी नहीं हुई ना। इसी तरह जहनी तौर पर भी औरतें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेमोरी में आईक्यू में कमजोर है, लेकिन सोशल मामलात को डील करते हुए औरतें कमजोर नहीं है आपके ख्याल में? उनके अंदर फियर नहीं होता ज्यादा क्या? अब देखे ना, खून नहीं खराब औरतें ऐसा, नहीं देख ऐसी सकती, बात नहीं है, मर्द देख सकता ऐसी है। बात नहीं नहीं है। नहीं ऐसा जर्मनी की चांसलर औरत है, न्यूजीलैंड की खातून जो है औरत है, इस तरह कई ममालिक के जो यू नो लीडर्स हैं, मुल्क चलाती हैं, वो औरतें ही हैं दोस्त, ऐसा नहीं आप कहें। ये डिपेंड करता है कि आप मौका कितना दे रहे हैं किसी को। ये हमारे देखें, हमारे जहन में बात बिठाई गई है कि जहनी कमजोर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटेलिजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है उसको नशोनुमा, एनवायरमेंट, तालीम,
एक मैंने हदीस प्राइवेट चैट में भेजी है मालिज, ओके okay, हाँ देखे ना, और वो तो आप आप मेरे भाई हो स्पेसिफिक और लोगों आप की बात इतने करें ना, अच्छे इंसान हो, जनरली अगर अपने देखा भाई। जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलते जन हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हाँ जी, आप वो दलाई मालिक, ये देना कि अगर उर्दू में ये दिखाई एथियस्ट था हैं तो जो, क्यों एथियस्ट हैं, ये बताएं इस बारे में। ये उर्दू में वर्जन आ जाएगा, क्लिक करेंगी मालिक उर्दू में भी आ जाएगा। हम एथियस्ट अच्छा क्यों, इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको, सामने हदीस है। कहाँ आप से? कह रहे अच्छा थे ना, बोल, हाँ आप जी जी कह, बताएं। अब मेरी बात, अब आप काटिएगा नहीं बात, माली जी ये बात को आगे लेके जाएंगी। दोस्त आपने बोला कि भाई जो लिबरल होते हैं या एथियस औरतें खराब होती हैं, वट एवर होता है जो भी आप कह रहे हैं, आपने शायद ना कहा हो, ये हदीस का तर्जुमा, ये सही हदीस है, इसका तर्जुमा माली जी आप पढ़ सकती हैं या मैं पढ़ दूं? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, बोलते रहो गुलजार। ये तर्जुमा आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं हदीस का? आप पढ़ दो, मैं जरा यहाँ फेसबुक वाले बंद कर दूं ब्रॉडकास्ट, हाँ आप ये मैं जब पढ़ पढ़ूं। लो। ओके अच्छा देखो, हदीस का मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, ये सही बुखारी की भी हदीस है और सनन अपने दाऊद की भी हदीस है, 2172। इसका तर्जुमा है कि मस्जिद में दाखिल हुए तो मैंने अबू सईद को देखा, उनके पास बैठ गया, इनसे अजल के मुतल्लिक सवाल किया। अजल का मतलब होता है प्री इजैकुलेशन, आउटसाइड ऑफ यू नो प्राइवेट पार्ट। तो आपने जवाब दिया, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा गजवाए बने बनी मुतल्लक में निकले तो हमें कुछ अरबी लौंडियां हाथ लगी, हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरतों से अलग रहना हम पर गिरा गुजरने लगा, तो हम इन लौंडियों को फिदिया में लेना चाह रहे थे, इसलिए हमल के डर से हम उनसे प्री इजैकुलेशन बाहर निकालना चाहते थे, तो हम अजल करना चाह रहे थे। फिर हमारे जी में कहा कि रसूल अल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो आपसे इस बारे में पूछते हैं कि हम अजल करें यानी बाहर निकाल के छोड़ें या ना छोड़ें लौंडियों के। तो चुनाचा हमने इस बारे में आपसे सल्लम से पूछा, ये उन्होंने जवाब दिया, ये ना करो तुम्हारा क्या नुकसान है, कयामत तक जो जाने पैदा होने वाली है वो होकर रहेंगी। अभी हदीस मैंने मुस्लिम चैनल में पेश की और सबने इस हदीस से अग्री किया, कुरान में भी लौंडी है। मैं आपसे भाई पूछता हूँ कि ठीक है सारे एथियस गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन इस हदीस के हवाले से अगर आपकी या मेरी बहन होती इन लौंडियों की जगह, तो आप भी इस्लाम को डिफेंड करते? जी देखें भाई सर, बात मेरी ये सुने आप, कि जिस टाइम पर इस्लाम आया ना, आ रही है मेरी आवाज आपको? जी जी आइए, आ रही है। हाँ, जिस टाइम पर इस्लाम आया, आप सब लोगों की गलती ये है कि आप इसको आज के टाइम से 2022 की जो अंदर इंसान रह रहे हैं उनकी नजर से आप देख रहे हैं, आप इसको 6वीं या 7वीं सदी के दोबारा हिसाब से नहीं सवाल देख नहीं, रहे। आपने मेरा सवाल का जवाब देना है भाई, मैं थोड़ा जल्दी में था, मैं आपकी मोहब्बत में आ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस हदीस में साहबी कह रहे हैं हमारे हाथ अरबी लौंडियां लगी, और लौंडी आप समझ सकते हैं वो आजाद नहीं थी, जंग में उस लगी, हजरत मोहम्मद ने बोला अंदर छोड़ दिया करो, बच्चा होना है तो हो जाएगा, अगर इस जगह आपकी बहन होती तब भी आप हजरत मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट समझते? यस और नो में जवाब दीजिए भाई। देखें, उस टाइम पर अगर कोई सर जो टाइम को नॉर्म छोड़ें, थी, उस टाइम पे अगर आप होते और आपकी बहन या माँ को लौंडी बनाया जाता तब भी आप यही कहते कि हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं? इतनी सी सवाल है तो उनको किसी वजह से लोंडी बनाया जाता ना। तो देखें आप ना, जाहिर है, अगर टाइम की मालिक अभी बात कर रहे हदीस हैं, मैंने टाइम पढ़ती। टाइम की हाँ बात कर रहे बात हैं, लीजिए, एक सेकेंड, आप टाइम की बात कर रहे हैं, मगर कुरान हर जमाने के लिए बना हुआ है, खत्म हो गई बात, बस ठीक है हर जमाने के लिए बना, लेकिन उस वक्त के जो वाकयात हैं वो उनसे आप कुछ सबक तो ले सकते हैं, ये लेकिन मेरा आप सवाल उनको डॉज कर आज रहे के हैं टाइम पे मालिक जी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर इंतजार सकते। करने पूछ रहा हूँ, वाला था, अपनी तरफ से नहीं बना लो भाई, हर टाइम के लिए है, कुरान की हर चीज फॉलो करनी है, हर टाइम में चलेगी, तो तो हर अगर टाइम आज पे भी लौटाई लौटना नहीं, आओ तो आज भी नहीं। लौटना पड़ेगा। देखें जी, हाँ उस टाइम की भाई बात को मेरे आप सवाल मानें। का अभी तक आप जवाब नहीं दे रहे, मैं आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ मेरे भाई हैं, कि उस जमाने में आप होते और आपकी बहन या माँ को लौंडी अगर बनाया जाता, आपकी बहन मेरी बहन जैसी, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या जी तब जी भी आप खुश होते या परेशान होते इस बात पर? देखें, वो डिपेंड करता है ना, अगर आप अगर इस सर जमाने में इसमें अगर आप मुझसे सवाल पूछें, आप मुझसे सवाल पूछें, ये इसमें डिपेंड क्या करता है, यानी मैं कहूँ चाहूंगा नहीं कि मेरी बहन का रेप हो, मैं नहीं चाहूंगा, तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बहन का साहबा कराम रेप कर रहे थे लौंडियों बनाकर, आप इस बात पे खुश होते या परेशान होते?
देखें आप, मैं आपको कह रहा हूँ कि उस जमाने में अगर ये नॉर्म थी तो वो उस मेरे जमाने के लोग दोस्त, इसको नॉर्मल जमाना समझते होंगे छोड़ ना। दें, जमाना छोड़ दें, क्योंकि हर जमाने में रेप करना बुरा ही समझा जाना चाहिए, चाहे वो 1 लाख साल पहले भी। रेप गलत है मेरे दोस्त, इतनी सी बात है। ये हदीस आपके सामने रखी गई है जिसमें सहाबा कराम ने लौंडियों को पकड़ा और हजरत मोहम्मद से पूछा मंदिर छोड़ें, इजैकुलेशन करें, नहीं करें वरना बच्चा ना हो जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस जगह आपकी बहन या मेरी बहन या आपकी माँ होती, तब भी आप हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानते या नहीं मानते? सर आप मुझसे ये सवाल कर नहीं सकते क्योंकि मैं 21वीं सदी का आदमी हूं, मैं उस टाइम पर नहीं था। उस अगर आप जमाने में लेकिन अगर ये मैं होता लेकिन तो आप उसी मेरा, रिलीजन को मान रहे हैं जो 7वीं सदी में आया ना दोस्त, तो आप 7वीं सदी के रिलीजन को मान रहे हैं, इसका मैं पूछ रहा हूँ। आपसे उससे हम जवाब कोई क्यों सबक नहीं दिया जरूर ले जा रहा? सकते हैं, एक सेकंड, लेकिन हम उन आप चीजों को, उसमें हर चीज को उस तरह नहीं मान सर, सकते क्योंकि मेरा आज सवाल बहुत सारी दुनिया सिंपल बदल है, चुकी है। इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, सब कुछ अच्छा है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, उस जमाने में अगर आपकी बहन को लौंडी बनाया जाता जैसे इस हदीस में बनाया गया, आपका रिएक्शन क्या होता? अच्छा होता या बुरा होता? चले अच्छा ठीक है, मेरा फाइनल जवाब ये है कि मैं इस जो सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझसे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि मैं इस जमाने का आदमी हूँ, उस जमाने का आदमी नहीं लेकिन था, सवाल ये किया मेरे जा कल्चर का सकता हिस्सा है। नहीं है, आप इसलिए अगर होते सर, अगर होते, अगर होते तो जो उस जमाने के कल्चर के हिसाब से मुनासिब लगता था वो मैं करता। यानी आप नहीं करते, आपकी बहन के साथ लौंडी बना के रेप हो रहा होता, तो आप क्या, आपको अच्छा लगता, आपको बुरा लगता? जो उस जमाने का कल्चर के हिसाब से ठीक होता मैं एक्सेप्ट कर लेता। एक वो वाक्य जो आपकी बनू बहन कुरैज़ा को वाला लौंडी बताया बना जाता है, के रेप होता, आप एक्सेप्ट कर लेते? मालिज आप हैं कहीं मौजूद? मेरे दोस्त आप नहीं मैं कैसी बात एक कर और रहे हो यार? आपको मैं एक चीज का जवाब देता हूँ। आप अक्सर वो बनू बनू कुरैज़ा यार वाला ये जो क्या वाक्य है, मालिज, मुझे इस वक्त मैं परेशान हो रही हूँ, कह रहे हैं कि इनकी बहन बोलने को दो इनको, एक्सेप्ट कर बोलने दो लेते। इनको, अपना बेड़ा गरक कर रहे हैं, बोलने दो इनको। देखें आपकी बहन मेरी बहन जैसी है दोस्त, आप कैसी बात कर रहे हो यार? इस्लाम को ऐसे भी डिफेंड ना जितना करो। देखें खुदा आप है, ना अक्सर ये जितना बातें ये ना लोग गलत बात से करते इस्लाम को हैं। बदनाम कर रहे हैं, उतना हम नहीं कर रहे हैं। इनको बोलने दो, मैं तो कहती हूँ इनको बोलने दो, क्योंकि जितनी इनकी अब मैं बातें आपको लोग एक और बोलते हैं हम उतना देखें, आपको मैं एक बात का हम। जवाब देता हूँ। एक वाक्य है बनू कुरैज़ा वाला जिसमें आप कह रहे हैं कि 600 या 900 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया, और आप उस चीज को क्रिटिसाइज इस तरह करते हैं कि सारी की सारी गलती आप सर हम, मुसलमानों पे मैं डाल कोई देते हैं। बात नहीं 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 आप करने एक बात आया, पूरी सुन लेते हैं, एक बात पूरी मैं कर लें। नहीं, मुझे जबकि इस्लामिक वो जो तारीफ की फैसला हुआ बात था, नहीं करनी नहीं ये बात मैं आपकी। करना चाह रहा हूँ, एक बात मुकम्मल करके फिर आप बोलिएगा। जबकि वो जो फैसला हुआ था वो उन ज्यूज ने खुद कहा था कि आप ये फैसला सर हमारी किताब से करें और जो आप करेंगे हमें वो होगा, मंजूर इस होगा। हदीस को देख के आपको लगता है कि ये रिलीजन अल्लाह का है, जिसमें हजरत मोहम्मद से सहाबा का नाम पूछ रहे हैं हम लौंडियों को अंदर डालें, बोले हाँ डाल दिया करो? यार आपके अंदर इंसानियत भाई थोड़ी सी तो होगी यार, कम ऑन अच्छा, यार। ये कह रहे हैं उस दौर में अगर इस दौर के लोग होते ना, खून के आंसू रोते। दैट्स ट्रू। उस उस दौर दौर की हम में, कदीमे नहीं है, नहीं उस एक दौर भी में और इस ऐसी है दौर में बहुत कदीमे फर्क नहीं। है। उस दौर, एक सेकेंड आप सबर कीजिए, आपका खुद का आर्ग्यूमेंट जो है ना वो सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप लगे में उस दौर में मैं तो था ही नहीं, यही नहीं था। मगर आपका कुरान कहता है, चाहे आप 7वीं सदी के दौर के हो या आप 21वीं सदी के दौर के हो, इस्लाम नहीं बदलता किसी के लिए। जो चीजें इस्लाम में लिख दी गई हैं वो आपको 7वीं सदी में भी फॉलो करनी है, 8वीं में, 9वीं में, 12वीं में, 21वीं में, 30वीं में, 50वीं, आप बदल नहीं सकते। तो आप कैसे बदल वो रहे हो यहाँ उसके पे, बुनियादी झुठला रहे असूल हो? नहीं बदलते, उसके बुनियादी असूल नहीं बदलते। आज गुलामी खत्म हो चुकी है, ये सारी चीजें खत्म तो हो चुकी है, तो ये तो अच्छा, तो अगर कल जंग छिड़ जाती है, ठीक है, कल जंग छिड़ जाती है आपके हाँ बीच जी में और इंडिया के बीच में, और जी फिर तो चीजें वहां पे जो बंदियां बचेंगी, तो उनको क्या फिर लौंडी बना लेना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं एक मगर और चीज आपका बताता हूँ, कुरान एक तो यही कहता है, नहीं नहीं कुरान तो यही नहीं कहता है, मैडम या मैं काफिरों से लड़ाई ठीक होगी है, तो मैं आपको हाँ ठीक लौंडी है बना। कहता है, मैं अब मैं जवाब दूँ इसका। कुरान में एक कॉन्सेप्ट है कि वो पुरानी आयतों की एब्रेजन हो जाती है, यानी कि जो पुरानी आयतें मंसूख भी हो जाती हैं। ऐसी बहुत सारी आयतें कुरान के अंदर हैं कि जो फैसला जैसे मक्की दौर में आया और मद्दी दौर में वो कैंसिल भी हो गया, तो अल्लाह ताला ने काफी सारे अहकाम बदले भी हैं। तो अब ये एक आयत को उठा के ये नहीं कह सकते कि इसका ये हमेशा चलेगी, क्योंकि कुरान में खुद कई सारी आयतों को मंसूख किया गया है। तो इस बात को भी आप समझें, आपको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। किसने किसने किया है उनको, किसने हटाया है उन आयतों को? लोगों ने ये हटाया है ना? कुरान कुरान की आयत तो नहीं, कुरान की अपनी एक आयत आई है ना जिसमें ये कहा गया कि अब पुरानी आयतें कई सारी मंसूख भी हुई हैं। कुरान की अच्छा, अपनी फिर आयतों में एक इस आयत बारे दिखा सीखता, दो जिसमें, एक ये मिनट एक आयत दिखाओ गुलार भाई को जिसमें पता कहा होगा कि इधर। लौंडी होनी ही नहीं चाहिए। एक आयत आप दिखा दो, एक आयत कि लौंडी होनी ही नहीं चाहिए, दिखाइए नहीं हदीस में तो है ना इस चीज का जिक्र, भाई। तो
कुरान तो हदीस से ऊपर आता है दोस्त, आप खुद ही इस्लाम को कहाँ लेके जा रहे हो, कुरान पहले नहीं 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 नंबर नहीं वन जो सही आता है। हदीस है, नहीं सही हदीस की नहीं, तो कुरान में भी अगर एक अच्छा चीज आ जाए, हुक्म है भी, लेकिन जो सही अच्छा हदीस है तो उसकी भी तो अपनी जगह अहमियत है ना। आपसे लंबी लस्सी बनती रहेगी। आप कह रहे हो ना अब्रोगेशन हो गया, मैंने मान लिया, ओके गुड पॉइंट, आपने कहा अब्रोगेशन हो गया। कायनात जिसने गैलेक्सीज बनाई उसने पहले ही दफा में क्यों इस चीज को अलाउ कर दिया था भाई, लौंडी इंसान होती है कैसा अल्लाह यार, आप थोड़ा सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कोई हम गुलजार आम साहब, आदमी की बात नहीं कर रहे, हम कायनात का अगर बनाने वाला वो आपका है, उसने अब्रोगेशन की उसको जरूरत क्यों पड़ गई? जो लौंडियों पे जुल्म हुआ होगा जो इस हदीस में हो रहा है उसकी तो सफरिंग का कौन हिसाब देगा भाई, और आप क्यों नहीं गुलजार समझे? ये बात के आज नहीं हो रहा है तो यजीदी औरतों को आज भी लोंडी बनाया गया है आइसिस वालों ने, यमन में आज भी स्लेव ट्रेड हो रही है, आज की बात उनको कर रही हूँ। आईएसएस ये को आपके कोई भी मुसलमान मुस्लिम कंट्री ऑन नहीं करता, उसको कोई भी मुस्लिम कंट्री ऑन नहीं ऑन करता। करे या ना करे वो आपका इस्लाम तो ऑन करते हैं ना, वो तो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं और वो सही इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, जो लिखा है वही वो फॉलो बेशक कहते रहे, वो बेशक कहते रहे, आप भी अपने आप को कोई नया वर्जन निकालें इस्लाम का, आप भी नहीं मुसलमान बन भाई। जाए, फिर आप उससे इन क्या होता है? सहाबा कराम को ऑन करते हो जो इस हदीस में आपको नजर आ रहे हैं जो लौंडियों का रेप कर रहे हैं अरब की, आप ऑन करते हो उनको? बोलो नहीं है ये जी सहाबा मेरे, बोलो। नहीं, मैं उनको ऑन करता हूं, लेकिन ये उस वक्त के जमाने की बात अब माले जिनसे आप कैसे बंदा बात करे, कह रहे हैं मैं ऑन करता हूँ जो सहाबा कराम है। रेप हाँ कर रहे हैं उस लौंडियों वक्त को की क्या यार। भाई, ऐसे बंदे को प्रॉफिट मान रहे हैं जिन्होंने एक बंदी के पूरे कबीले को मार दिया और उसी रात उसके ऊपर चढ़ गए, ये उसको अपना नबी और बेस्ट मॉरल कंपस मानते हैं उसको, और कह रहे हैं कि चले नहीं आज के ठीक जमाने में वो कोई हरकत करेगा तो उसको मैं नहीं मानूंगा, मगर उस जमाने में हाँ वो मेरे नबी ने कर दिया तो ठीक है, उनको पास मिल जाना चाहिए। चले ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा मान लेते हैं कि आपका पॉइंट यहाँ पर वैलिड है, ठीक है, और मैं यहाँ पर गलत हूँ। चले, मैंने हाँ जो बात की थी कि वो ये थी कि अगर आप एथियस्ट हैं और आप खुदा को नहीं मानते तो उसके क्या दलाइल हैं, ये बताएं आप मुझे। आप किसी भी क्रिएटर की बात करते हैं, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप मजहब की छोटी छोटी बातों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि आप अपने मैंने उस आपको नजरिए को बताया ना, डिफेंड नहीं करते। सबसे पहली ये लौंडी चीज छोटी देखें, बात सबसे पहली चीज एक सेकंड है, गुलजार, नहीं मैं मजहब सबसे का एक पहली हिस्से है चीज ना एक सुनें, आप। बात सुनें, आपने सवाल पूछा है जवाब सुन लें। मेरे लिए सबसे पहली चीज मैं ये देखती हूँ, सबसे पहली चीज मैं ये देखती हूँ कि ये जो रिलीजन चलती आ रही है वो इतने टाइम से चलती आ रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें चेंजेस ना आई हो, लोगों ने लिखी हो अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि जब क्रिश्चियनिटी या जूडेज्म उससे पहले जो रिलीजन आई थी वो सही क्यों नहीं है, इस्लाम क्यों सही है सिर्फ, ठीक है। तीसरी बात ये कि जब कोई रिलीजन मुझको एक औरत को ये बता देता है कि तुम मर्द से कमतर हो, हालांकि आई डोंट थिंक सो, मैं तो हर वही काम कर सकती हूँ जो मर्द कर सकता है और करा भी है, तो मुझे खुदा कैसे कह रहा है कि मैं छोटी हूँ उससे, जबकि आई कैन फील इट दैट आई एम इक्वल। ये सारी चीजें हैं। अब आप बात करो, देखिए बात करती चलें, हूँ। अब आप फिर उस मजहब को टारगेट कर रही हैं, आप उस देखें फर्ज करें आप दुनिया में मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप सिर्फ एक इंसान के तौर पे रह रही हैं दुनिया में। अब आप बताएं, अब आप खुदा को नहीं मान रही तो उसकी क्या दलील हो, आपको किसने बनाया और आप दुनिया में कैसे आ गई? मजहब की थोड़ी देर बात ना करें, हम बात ही खुदा के ऊपर कर रहे हैं, आप अल्लाह की बात भी ना करें, बेशक आप सिर्फ खुदा जिसको भी आप क्रिएटर समझ लें उसकी बात करें। वो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट करता या आप एग्नोस्टिक हैं तो उसके पीछे क्या दलील है? हाँ मैं जवाब दूं, मारी जवाब देंगी, मैं एक सेकंड मैं जवाब दे रही फिर आप कर लेना। मैं क्यों नहीं मानती हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं या जितनी भी रिलीजन्स हैं, मैंने आपको ये बताया ना, उनकी बातें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे कि किसी आम इंसान ने लिखी होंगी, मुझे उनमें कोई ऐसी बात नहीं लगती जो कि मुझे ऐसी बताई जा रही हो जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। एक्चुअली बहुत सारी बातें तो हमको अब जाके पता चली हैं, मतलब कि हमारा गैलेक्सी, हमारी लाइट की स्पीड और ये सारी चीजें, साइंस, ये सारी चीजें हमें आज पता चल रही है। ऐसे जो क्रिएटर है, जिसने फॉर एग्जाम्पल मैं एक गाड़ी बनाती हूँ, ठीक है, मैं गाड़ी बनाती हूँ, आप गाड़ी लेने जाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उस मैनुअल में ना सारी चीजें लिखी हुई होती है जिसने गाड़ी बनाई है, यानी वो सब कुछ बताता है उसमें आपको डिटेल के, अगर कोई कभी प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस जाके मैनुअल को देखो और वो सही हो जाए। अब आपके गॉड ने अर्थ बना दिया, क्रिएट कर दिया, पूरा दुनिया क्रिएट कर दी, ठीक है बकौल आपके, मगर जो मैनुअल छोड़ा उन्होंने उसमें आधे से ज्यादा चीजें छोड़ दी हैं, उसमें मैनुअल में बताया ही नहीं है कि भाई प्लैनेट्स में क्या है, क्या चीज कैसे होती है, खा गया। और जो जो चीजें बताई हैं वो आजकल की साइंस से कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं, वो उस पर होती ही नहीं है। चलो गुलजार जी आप दो। सर मैं ज्यादा लंबा जवाब नहीं दूंगा, मुख्तसर। आप कह रहे हो ना मेरे दोस्त, चलो एक बात आपकी ईमानदारी है कि आप, मैं कह रहा हूँ ना आप इंटेलिजेंट हो कि आपने कहा मजहबी, मजहब को साइड पे रखो, आप यही कह रहे हो ना, मजहब को साइड पे जी जी रखो, आप क्रिश्चियनिटी
क्रिएटर, इसका सिंपल जवाब है यार, अगर क्रिएटर है इस यूनिवर्स का और वो साबित कर देगा मुझे, या मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा उसको मानने में। इट्स वेरी सिंपल आंसर कि अगर क्रिएटर मुझे शो कर देगा कि वाकई वो क्रिएटर है, मैं उसको मान लूंगा। अब आप कहोगे फिर ये कायनात कैसे चल रही है, इसके लिए आप कोई अच्छी सी साइंस की बुक्स पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूं, मुझे भी पता चलता है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि जिस चीज का भी आप घुसते हो ना, उसका अंदर क्रिएटर के बजाय कोई साइंटिफिक रीजन निकलता है। जैसे पौधे कैसे सूरज की रोशनी से बना लेते हैं, मैं कहूंगा क्रिएटर कर रहा है, पता चलता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। हर चीज के पीछे एक प्रोसेस होता है जो साइंटिफिक होता है, गॉड वाला प्रोसेस नजर नहीं आ रहा होता। 13.8 बिलियन साल पहले कायनात बनी, उसके बाद जो जो साइंसदान डिस्कवर कर रहे हैं ना, उसमें गॉड नजर नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात है, गॉड अगर साबित कर देगा वो है मौजूद, मैं मान लूंगा। अब मेरे ख्याल में यही मुख्तसर जवाब हो सकता है दोस्त। साइंस की आप अच्छी सी बुक्स पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा क्या चक्कर है सारा ये। एंजल जी देखें, आप वापस आ जाओ, मेरे ख्याल से आप ड्रॉप हो गए हो, वापस आ जाओ अच्छा सर जी, बोल रहे हैं देखें, आप। थोड़ी बहुत साइंस तो मैं भी जानता हूँ। जो फोटोसिंथेसिस की आपने बात की है, दुनिया कैसे चल रही है, देखें लॉज ऑफ फिजिक्स तो एग्जिस्ट करते हैं और उनके मुताबिक ही चल रही है, ठीक है। अगर आप उसके अंदर देखेंगे जी कि क्रिएटर बैठा हुआ है, वो सूरज की रोशनी पकड़ के यहाँ तक लेकर आ रहा है, वैसे वैसे काम कर रहा है, तो वो तो नहीं होगा। इस दुनिया तो लॉज ऑफ फिजिक्स के मुताबिक चल रही है। लेकिन आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि फिजिक्स के आपने लॉज आपने एग्जिस्ट आपने कैसे करते मेरी हैं और आपने आपका एक वजूद मिनट, किस तरह मुमकिन है, नहीं, ये बताएं आपने ना। मेरी ही बात खुद से सही कर दी। आप खुद कह रहे हो ना लॉ ऑफ फिजिक्स नजर आ रहे हैं, क्रिएटर नजर नहीं आ रहा। वेरी गुड, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ ना आप समझ गए बात, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं अच्छा ठीक कह रहा तो हूँ, एक लेकिन सेकेंड वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स का वजूद मुमकिन कैसे है, ये बताएं। सुने शबीर जी, आपने फिजिक्स की बात की है, क्या आपके कुरान में या हदीसों में बताया जा रहा है ये के फिजिक्स है, किस तरह से लॉ देखिए मैडम, ग्रेविटी मैं है, अभी उसके बताइए ऊपर बात ही नहीं कर बताइए। रहा। वही देखिए, वही मसला है ना, आप एक चीज को पिक एंड चूज रही बात कर रही हैं, आप एक छोटे से पॉइंट को पकड़ लेती हैं, जबकि आप बिगर पिक्चर नहीं देख रही। हम बात ही खुदा के और क्रिएटर के ऊपर कर रहे हैं, आप अभी मजहब पे ना आए ना, पहले तो मैंने बात आपके उस पर करें जवाब, जो भाई आप मानते ही नहीं। खुदा खुदा मजहब से ही तो कनेक्टेड है, खुदा कहाँ से आ गया? मजहब नहीं है तो खुदा नहीं है, खुदा नहीं है तो नहीं नहीं मजहब नहीं है। नहीं नहीं लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। कई बंदे जो किसी मजहब को नहीं मानते, वो भी फिर भी किसी क्रिएटर को मानते हैं, ऐसी तो बात तो बट नहीं है। आई डोंट नो, आपको शायद मेरी बात सुनाई नहीं थी। मैंने ये बोला क्रिएटर अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर देगा वो क्रिएटर, मैं मान जाऊंगा। यार इतनी सी बात तो की आपसे भाई, दोबारा सुने मैंने क्या बोला है। मैंने कहा अगर क्रिएटर है, जैसे मेरे अब्बू जब मैं पैदा हुआ मेरी अम्मी ने बोला बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने माना ना, सही है। इसी तरह अगर जी क्रिएटर मुझे कह देगा मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, वो साबित भी कर देगा, मैं मान जाऊंगा, खत्म हो गई बात। अब बात आती है ये फिजिकल लॉस कैसे आए, इसका जवाब जो है अभी तक प्रॉपर किसी को पता नहीं है। ये जो साइंटिस्ट ज्यादातर इस बात को जरूर मानते हैं, ये चांस हो सकता है कि वही बात है कि आप जब लॉटरी खेलते हो, अगर आप 1 करोड़ दफा लॉटरी खेलो शायद आप जीत जाओ। ये दुनिया कायनात अगर 13 बिलियन में बनी है तो देखो कितना टाइम लग रहा है इत्तफाकात को होने में। हैविंग सेड दैट, आपसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, फिजिकल लॉस आप पढ़ेंगे आपको क्रिएटर नजर नहीं आएगा, अगर क्रिएटर नजर आ गया हम मान जाएंगे। इट इज टू सिंपल। मगर जो क्लेम कर रहे हैं कि हम क्रिएटर्स हैं, हम बनाने वाले हैं, वो कि उन लोगों ने क्यों नहीं बताई ये बातें? भाई बना दिया आपने दुनिया, मगर ये नहीं बताया कि फिजिकली हमारी दुनिया चल कैसे रही है, इसके लॉस क्या है, ग्रेविटी के लॉ क्या है, लाइट स्पीड कितनी है, वो ये चीजें लिखना कैसे भूल गए? मगर उन्होंने ये बता दिया कि भाई बीवी की पिटाई होनी चाहिए, तो ये एक और होना बात चाहिए, भी तो वो बताइए होना चाहिए। मालिक, कुरान में का एक और बात बताइए। अब मैं क्यों नहीं मजहबी खुदा मानता, कुरान में ये भी बताया कि रमजान में औरत बीवी से सेक्स नहीं करना, ये याद है क्रिएटर को कि रमजान में बीवी के साथ कितना दूर रहना है। ये नहीं याद कि जब कोविड आएगा तो कैसे लोग मरेंगे, या बच्चे भूख से मेल न्यूट्रिशन होते हैं उसका क्या हाल है। तो सोचो ये मजहबी खुदा नहीं, ये आदमी के बनाए हुए खुदा है। और जो क्रिएटर है भी, इसका सिंपल आंसर है वी डोंट नो, जब पता चल जाएगा हम मान जाएंगे। तो देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि वी डोंट नो, तो फिर आप खुद रद्द भी तो नहीं कर सकते ना। क्या कह रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि वी डोंट नो, यानी एग्नोस्टिक पोजीशन है आपकी, तो आप ये भी तो नहीं कह, उसको रद्द भी तो नहीं कर सकते ना, कि यानी कि आप ये तो एब्सोल्युटली कैसे नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका भी जवाब है, इसका जवाब ये है, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें एग्जिस्ट नहीं करता या करता है, इसका बेस्ट आंसर होता है कि वी आर सर्चिंग, और जब पता चल जाएगा हम मान जाएंगे।
लेकिन इस लेकिन हम अपनी जो जिंदगी गुजारते हैं ना, वो एज एन एथियस्ट टाइप गुजारते हैं कि हम कोई खुदा की ना इबादत करेंगे ना हम कहते हैं मजहबी खुदा है। और अगर फर्ज इसको बोलते हैं इररेलेवेंट गॉड, अगर वाकई क्रिएटर है इस कायनात का, वो सत्तू पी के आता सो रहा है, वो मेरी लाइफ में आता ही नहीं है, तो जब नहीं आता तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं फजूल में अपना टाइम जाया करूं सोचने में दोस्त। अगर कोई क्रिएटर है भी, हमको ये हम ये मानते हैं, मैं ये मानती हूँ कि उनमें से आपका कोई क्रिएटर, ना अल्लाह है वो क्रिएटर, ना राम, ना कोई, ना जीसस, ये कोई क्रिएटर नहीं। अगर कोई क्रिएटर है भी तो ही डजंट गिव एनीथिंग अबाउट अस। आई डोंट नो अबाउट गुलजार, मगर मैं ये समझती हूँ कि हम इस पूरी दुनिया में हम अकेले नहीं है, देर सो मेनी थिंग्स जिसका हमको पता ही नहीं है। मैं नहीं मानती कि भाई हम ही एक स्पीशीज है इस दुनिया में, एक प्लेनेट पे और कहीं और नहीं है। हो सकती है हो, उसको हमारी लाइफ में, हम अगर आप ये पूरे यूनिवर्स को देखो ना, तो हम जर्रे से भी छोटे हैं, इवन स्मॉलर देन दैट। तो एक जिसने इतनी बड़ी चीज बना दी यार, उसको एक छोटे से बंदे से क्या है कि सारा दिन वो उठक बैठक करे उसके लिए, उसकी राह में यूं करे, इस हाथ से अपनी पेशाब करे तो उस हाथ से पानी पिए। दीज आर माइनर लिटिल थिंग्स, व्हाई डज ही केयर अबाउट इट। अगर क्रिएटर है तो ही डजंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट वी डू विद आवर लाइव्स, एज लॉन्ग एज वी आर जस्ट अलाइव। जैसे कि जानवर हो गए, जैसे कि पौधे हो गए, इसी तरह से हम भी हैं, हम भी एक स्पीशीज ही हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट वी बिलीव। आपका अलव या नहीं है? देखें, आप अपने आप को जानवरों पौधों से तो कंपेयर ना करें, ठीक है? कम से कम इंसान के पास अक्ल तो है ना, टॉपिक पे और जाते दूसरी हैं, चीज टॉपिक आप, पे जाते हैं। हाँ भाई अब नहीं, प्लेयर जानवर होगी से बात, मुझे कंप्लेन नहीं, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर इंसान से बहुत बेहतर है। ऑनेस्टली वाकई में मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा बहुत बेहतर है, ठीक है, आपसे बेहतर होंगे। तो जी गुजार भाई, आपने क्या कहना है? नहीं आई थिंक नहीं, हमने कवर कर जानवर, लिया। एक सेकेंड ना गुजार, जानवर जो है ना, मेरा कुत्ता जो है ना, अगर मेरे घर में कोई आता है ना, वो ये नहीं देखता वो किस रंग का है, उसके पास से कैसी स्मेल आ रही है, या वो किस रिलीजन का है, वो उसको प्यार देता है सिर्फ। वो उसको देखता है कि ये बंदा मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, समझ में आई ना? जानवर को आप प्यार दिखाओगे ना, वो प्यार दिखाता है आपको। आप लोग क्योंकि अगर उसके कोई पास चीज देखते हो ना, वो तो एबिलिटी अगर ही जज नहीं है। करते हो कि कौन सी रिलीजन के हैं आप, तो आपकी कास्ट क्या है, तो आप कहाँ से हो, ये सारे क्वेश्चन, ये जजमेंट ना इंसानों में आता है। इंसान अपने मजे के लिए मारता है, जानवर अपने मजे के लिए नहीं मारता, सिर्फ खौफ में मारता है या भूख जो है ना मिटाने के लिए मारता है। तो जानवर ना आप लोगों से बहुत बेहतर है, मैं आपको ये सही बात बता रही अब हूँ। मैं जानवर इसमें भी एक मजे ऐड के लिए ही करूंगा, मारता है। मैं दोस्त ऐड कर दूं, मुझे जी अलाउ जी करें। करें। मालिक ने जो बोला है ना 100% सही बोला है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर बाय इवोल्यूशन देखें, ठीक है, तो हम को एनिमल की स्पीशीज में रखते हैं साइंटिस्ट, हम लोगों को एनिमल की स्पीशीज में रखते हैं, क्योंकि हमारी कई चीजें आपस में मिलती हैं, इंक्लूडिंग डीएनए। ओके, नंबर वन हो गया। नंबर टू हो गया, मैं भी किताब पढ़ रहा था कि जो हमारे कान में 3 हड्डियां है ना, ये 2 हड्डियां रेप्टाइल्स, कुछ मैमल्स में बने, उनके जो जॉस थे रेप्टाइल्स के, वो हमारी कान की हड्डी बने ताकि हम बेहतर सुन सकें एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स। तो हम जानवर, अगर वही बात है, कोई अच्छी किताब पढ़ेंगे, आसान वाली, मैं आपको प्राइवेट चैट में लिख दूंगा एवोल्यूशन पे, आप मुझे ईमेल करें, तो देखें पता चलेगा कि इंसान एक जरसूमे से बनते बनते मुख्तलिफ मराहल में अख्तियार करके आज हम बने, तो हम पास्ट को क्यों भूलें। एक और बात, मैं एक चैनल पे मैंने एक वीडियो देखा कि कुछ दुनिया में कहीं काले क्यों होते हैं और गोरे क्यों होते हैं। मैं इतना, मुझे वो वीडियो पसंद आया, मिसाल के तौर पे मैं यूएसए में हूँ, अब जब से मैंने वो साइंस की चीज पढ़ी है ना दोस्त, मैं किसी गोरे को आला नहीं समझ रहा, मैं काले को गोरे को बराबर समझ रहा हूँ, वो साइंस की वीडियो देख के। पूछें कैसे? आपने बोला ना जानवर से कंपेयर नहीं करो, मैं बताता हूँ। अफ्रीका में जो काले रहते थे उनकी रंगत ब्लैक क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक मेलानिन पिगमेंट होता है ज्यादा, ठीक है, पिगमेंट ज्यादा होते से वो डार्क हो जाते हैं, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए और बी अफेक्ट करती थी, स्किन को नुकसान पहुंचाती थी, तो नेचर ने एक एक्स्ट्रा पिगमेंट डाल दिया से वो डार्क हो गए। उसके बाद 1 लाख साल पहले ये ब्लैक जो है ये यूरोप आए, यहाँ सूरज की रोशनी कम होती थी, जिसकी वजह से उनके पिगमेंट मेलानिन कम हुए, जब वो कम हुए तो उनकी जो रंगत थी थोड़ी सी व्हाइट होने लगी। अब एक बात बताएं, इसमें इंसानों का क्या कमाल गोरा होने या काले होने में, ये तो सब बराबर हुए, इसका मतलब नेचर बराबर रखती है। अब एंजल आ गए, मैंने काफी बात कर ली इस पर। जी अच्छा जी एक सेकेंड, जी आई एक सेकेंड में एक बात कर दूं, जरा सुपर चैट मुझे पढ़ लेने दें। यूट्यूब पे एक वीडियो है, अगर आप एवोल्यूशन पे देखना चाहते हो, तो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उसने 10
ऐसी दिखाई हैं, सॉरी मैं एक सेकंड म्यूट कर रही हूँ आपको, 10 चीजें ऐसी दिखाई हैं हमारे बॉडी में हैं ऐसी, जो पहले हुआ करती थी और अब उनका कोई काम नहीं है, और वो क्यों है हमारी बॉडी में, वो बंदे ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। जब तक आप लोग बात करते हो मैं वो वीडियो ढूंढती हूँ, क्योंकि वो दी बेस्ट वीडियो आई हैव सीन। उसके अलावा एक सेकंड मैं जरा थोड़ी सुपर चैट्स आई हैं वो पढ़ दूं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, गुलजार सीन्स टू एट पीस नाउ डेज येट सो आर्टिकुलेट। हाय गुलजार जी, सर क्या आपके, गुलजार जी मेरी तरह थोड़ी होता है यार कोई, तमीज से बात करते हैं ना, मेरी तरह थोड़ी होता है यार कोई बदतमीज। अच्छा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन इस्लाम व्हिच शुड नॉट बी फॉलोड इन टुडेज वर्ल्ड बट आर बीइंग फॉलोड, सो दिस उस जमाने में बुलशिट वोंट वर्क। ये तो मैं भी बोलती हूँ, वही कुरान हर जमाने के लिए बनाए, कुरान हर जमाने के लिए। दोरजे फ्री थिंकर कह रहे हैं हेलो मालिज, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सुपर चैट्स। और मैं देख रही हूँ ऊपर कोई और मैं मिस कर दी है, हारिस सुल्तान आए थे यहाँ पे, है हारिस जी, सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। उस दौर में अगर इस दौर के लोग होते ना खून ना आंसू, ये तो मैंने पढ़ दी थी। ओके जी एंजल जी क्या हाल है आपका। जी आदाब मैलीज, कैसी हैं आप? गुलजार भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठीक। ठाक हूँ। आपको मेरा रमजान का रूप कैसा लग रहा है वैसे? आज मैंने सोचा कि मैं रमजान में कहते हैं जरा तमीज से आओ, तमीज से आओ, तो मैंने पहनी भी हूँ नीचे आसमान से ऐसे। हूर उतर आई है। वैसे मैं इनकी बात तो सुन रहा हाँ, आपने नूर नहीं देखा भाई, इतना नूर देखे आज मैं, इतनी खूबसूरत लग रही हूँ, नूर मेरे ऊपर आके खत्म हो गया है। मैं जबरदस्त, कितनी खूबसूरत है, ये नूर अफ्तारी तक रहेगा मालिक, अफ्तारी तक आप ऐसी रहेगा। अफ्तारी के बाद तो हमारी टू पीस निकल आती है, रिश्टु, 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 बाटली बाटली हाथ में होती है। और आपको पता नहीं है हमारे, हम एथियस यही तो करते हैं, सिर्फ सारा दिन पीते हैं और सारा दिन सेक्स करते हैं, बस एंजॉय, ऑर्जीज चल रही होती है यहाँ पे हमारे वेस्ट कंट्रीज में। हम देखिए जो पिछला आदमी आया था लगाए वहां से पैसे तोड़ के लाती हूँ पीछे से, और फिर मैं यहाँ पे अपना जो है काम चलाती हूँ, आपको पता नहीं है ये लो। देखें जो पिछला आदमी आया था उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आप उसको प्यार से समझा सकती थी, आराम से समझा सकती थी, जो आपने शुरू जी में ही गाली देना शुरू कर दी। शब्बीर भाई भैया एक सेकेंड, मैं ना 15 साल से तुम लोगों को डील कर रही हूँ, इंसान की पेशेंस होती है एक हद होती है एक, समझ में आई ना? मैंने बड़े प्यार से बात करी है लोगों से, मगर प्यार से कुछ नहीं समझ में आया इन लोगों की, ठीक है? और मैंने बड़े प्यार से बात की थी, मेरा अंदाज आपको पता है ना, मैं तो फौरन गाली देती हूँ अगर मुझसे कोई तू से ही बात करे, ठीक है? तो आपका भी जो लहजा है ना, तो बड़े 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 बड़े, आपका भी बड़ा बहुत प्यार लहजा नहीं है, मैं बड़े प्यार से बात की है उनसे, ठीक है? आप करके बात कर रही हूँ मैं, आप ये आप शुक्र मनाए कि मैंने कोई गाली नहीं दी उसको, क्योंकि जब मैं 15 साल से एक ही फ्रस्ट्रेटेड दिमागी लोगों के साथ डील कर करके ना, मेरा दिमाग इतना नहीं रह गया है। आई स्वेयर टू गॉड मेरे जितने ब्रेन सेल्स रह गए हैं ना, उनको मैं जाया नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो बस टांगे खोल के बैठी होगी, 24/7 वी आर ओपन फॉर बिजनेस, बस यही आप लोगों के दिमाग में रहती है, एंड आई एम टायर्ड ऑफ दैट थिंकिंग। मैं वाकई में टायर्ड हो गई हूँ, मैं क्यों आप लोगों की बात सुनूं? व्हाई शुड आई केयर? आप लोगों की थिंकिंग ही इतनी सी है, दिमाग इतना सा है, तो मैं उस बंदे के साथ बहस कर रही हूँ जिसका दिमाग इतना सा है, तो मेरा पेशेंस है ना, मेरे अंदर भी कोई लिमिट है कि नहीं है? मैं फालतू में बैठती हूँ वहां पे आके, फालतू में मुझे गालियां लिख के चले जाते हैं फालतू में, और व्हाट, मैंने उनकी कोई भैंस भगा ली, बहन भगा ली, मैंने उनकी माँ को उंगली कर दी, क्या कर दिया? मैं क्यों सुनूं किसी की? आपको तमीज से बात करनी चाहिए, क्यों मैं क्यों तमीज दूं? जब आप लोगों को तमीज नहीं है, आप अपने भाइयों को जाके पहले तमीज सिखाइए, जो लड़की को समझते हैं सिर्फ टांगे खुली नहीं है उसकी, ठीक है ना? ये जैसे ये चूतिया है, समझते हैं औरत की टांगे खुली होनी चाहिए, बस चार चार चाहिए हमको, अभी भी नहीं चाहिए हमको, बाद में भी चाहिए, बाद में भी औरत टांगे खोल के बैठी होगी जन्नत में, बस और कुछ नहीं है। तो मुझे गुस्सा नहीं आता, ये जीसस ना ना माधी ना हमारा बंदा नहीं है, ये हमारा बंदा नहीं है, जीसस माधी नहीं, मगर ये ये निकल आपकी चुका है, रिप्रेजेंट सही ये कर रहे मुर्तद हैं, है, रिलीजन को है हमें नहीं आपकी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कर करता, रहे हैं रिलीजन को। ये तो मुस्लिम ही नहीं है। आपके आपके कहने से क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बड़ा मुसलमान है, आपके कहने से क्या होता है, आपकी मर्जी है, आप जिसको मुसलमान बना इस्लाम दो नहीं बना दो, आईसिस मुसलमान नहीं है तो अलकायदा मुसलमान नहीं है तो तालिबान मुसलमान नहीं है, वो तो कह रहे ना, वो तो कहेंगे आप मुसलमान नहीं हो, खुद तो आप लोग डिसाइड कर लो ना मुसलमान है कौन, आप लोगों में से, आप लोगों में से कौन मुसलमान है, किसको मानू मैं सच्चा मुसलमान, आपके इतने सारे फिरके, खुद आप लोगों की एकता है नहीं, आप यहाँ आ जाते हो हमको बताने कि तुम मुल्हे दौड़ते मुल्हे दौड़ते, लास्ट कॉलर एथियस औरतें, एथियस औरतें 10 मर्द के साथ सो जाए, 10 मर्द के साथ अगर औरत जाके सो जाए तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, मर्द भी तो चार चार
होगा होगा, अपनी बीवी के बिस्तर पे उसको आपने वहां आसमान पे चढ़ा दिया है, उसका अगर मैं बोल भी दूं कि उसने काम किया तो मेरी गर्दन काटने पे आ जाते हो आप। हां, और मैं अगर दो बंदों के साथ सो जाऊं, दस बंदों के साथ सो जाऊं तो मैं खराब हो जाती हूँ। कहां का डबल स्टैंडर्ड लेकर आए हो, चलो निकलो यहां से। यू नो, तो ये बातें सुन सुन के ना मेरा दिमाग पक गया। आई हैव लाइक आई हैव हैड इट। सो अब मेरी पेशेंस नहीं है, बाकी सारे जो लोग हैं ना उनकी पेशेंस है अभी, दे हैव जस्ट स्टार्टेड। उनको भी दो 10-15 साल फिर पता चलेगा। मैं 15 साल, 15 years I've dealt with this since I won Miss Pakistan 2007 में, तब से गालियां दे रहे हैं ये मुसलमान मुझको फालतू में, कोई ना लेना ना देना, तब से सुन रही हूँ मैं इनकी गालियां, क्यों सुनूं? अब बोलो आप जो बोलना है आपको। हाँ जी, ये एंजल भाई कुछ पूछ रहे थे मुझसे। काफी चीजें कवर कर ली, उसको रिपीट ना कीजिएगा मेरे मोमिन भाई, ठीक है? आगे चलते हैं। शबीर भाई, अभी आप बात कर रहे थे कुत्ते के मतलब, कुत्ता तो काफी नीच जानवर है, घटिया जानवर है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि नीच जानवर है, घटिया जानवर है, और जानवर हमें तो कहा है ना, हमारे रसूल अल्लाह ने तो कहा है। देखिए, इंसान के मैडम जो है इंसान के साथ कंपेयर कर दी, मैंने कहा उसको इंसान से कंपेयर ना करें। गुस्सा जो है हमारा जानवरों पे काफी निकलता है, एक तरफ कुत्ता है और एक तरफ सूअर है। चले सूअर की बात नहीं करते, कुत्ते की कर लेते हैं। अगर मैं अभी एक आर्गुमेंट आपके सामने रखूं कि कुत्ता जो है वो इंसान से ज्यादा अफजल है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चले एक मिसाल लेते हैं, एक कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है, डकैती हो जाती है, ठीक है, और इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, वहां की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, बहुत सी चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स पुलिस बिल्कुल बेबस हो जाती है, इंसान बेबस हो जाता है, फिर क्या आपको पता नहीं कि फिर जब इंसान बेबस हो जाता है, टेक्नोलॉजी बेबस होती है, तो फिर कौन सी ऐसी हस्ती है जो कि आके हेल्प करती है? वो कुत्ता होता है। अच्छा ठीक है, तो जानवरों के ऊपर आप बिना वजह अपना गुस्सा ना निकाला करें, कुत्ता बहुत अफजल है, जो चीज इंसान में नहीं है ना वो कुत्ते में है। इसी तरह हमारा पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि हर कमजोर के ऊपर इस मुसलमान का गुस्सा क्यों उतरता है। औरत के ऊपर गुस्सा उतर रहा है, सुअर के ऊपर गुस्सा उतर रहा है, और कुत्ते के ऊपर गुस्सा उतर रहा है। अब मैं एक क्वेश्चन मैं करता हूँ कि जी पैदा किसने किया हमें? अल्लाह मियां ने पैदा किया जी, बिल्कुल। ये फिर हमारी माँ वो क्या शायद थी? उसने भी पैदा किया, लेकिन खालिक तो खुदा ही है ना हमारा। चले चले वो कुत्ते का भी बता देना। अभी मैं लीजिए, आप भी कुछ कमेंट्स पास करना चाहेंगे जो अभी मैंने आप बात की है? हाँ, ये कुत्ते पे बात कर रहे थे, तो आपको ये बता दूं कि जानवरों की जो है ना सिक्स सेंसेस होती हैं, और जानवर अपनी सिक्स सेंस भी यूज करते हैं। कुत्ते बिल्लियां जो है ना अंधेरे में देख सकते हैं, क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है ड्रग डिटेक्ट करने में, क्या आप सूंघ के बता सकते हैं कि ड्रग्स कहाँ रखी हुई है? नहीं ना, कुत्ते कर सकते हैं। जब कोई बंदा इधर उधर घूम हो जाता है तो सबसे पहले कुत्तों को लेकर आते हैं, उनको सुंघाते हैं उनकी स्मेल, और फिर कुत्ते उनकी हेल्प करते हैं उनको सूंघने। आप कर सकते हो ये काम? नहीं कर सकते हो ना। तो बस आप ये, और फिर मैं सिर्फ कुत्तों की बता रही हूँ, घोड़ों के ऊपर आप आ जाओ तो घोड़ों में भी इतनी क्वालिटीज हैं जो आप नहीं जान सकते हो। व्हेल्स, दीज ऑल एनिमल्स आर वेरी स्मार्ट। और मैं ये कहती हूँ कि जो बंदा ये समझता है ना कि जानवर बेकार स्टूपिड होते हैं, उससे बड़ा स्टूपिड इंसान ही नहीं है। जब तो मैं कहती हूँ जानवरों का और इंसानों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो, दे आर वे स्मार्टर देन अस। हां जी, कंपेयर नहीं कर रहा मैडम, क्या बात कर रही है, इंसान ज्यादा स्मार्ट नहीं है जानवरों से, क्या बात कर रही है? एक और बात मैं आपसे पूछ रही हूं, मैंने आपसे पूछा ना, आप अंधेरे में देख सकते हो? आप अंधेरे में देख सकते हैं? लेकिन मैं बहुत ऐसे काम करता हूँ जो जानवर नहीं कर सकते। आप अंधेरे में देख सकते हैं या नहीं देख सकते? नहीं देख सकता। आप सूंघ के बता सकते हैं कि ड्रग्स किस जगह पे है, किस जगह पे छुपी हुई है? आपकी सेंस है ये एबिलिटी, यू हैव इट? वो सूंघ के बता सकता है, लेकिन हमारे पास और बहुत तरीके हैं ढूंढने के, वो हम अपने दिमाग से निकालेंगे। आप ड्रग्स, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वहां पे ड्रग्स जो स्मेल करके पता चले, ठीक है ना, चेकअप वेकअप में नहीं, एक्सरे मशीन में नहीं दिखेंगी, वो कौन लेके घूम, कुत्ते क्यों लेके घूम रहे होते हैं उनको वहां पर?
क्योंकि वो ड्रग्स स्नैफ कर सकते हैं। आपको अगर एयरपोर्ट में लेके घुमाया जाए इस तरीके से, आप बता सकते हो किस बैग में ड्रग्स पड़ी है? आप बता सकते हैं? मैडम चलें ठीक है, कुत्ता इतना हकीर नहीं है ना, मैंने कहा कि बॉस नहीं, बिट तो जा बस रहा है, वही लेकिन बात मैंने कहा मैं कि आपसे कह रही इंसान हूँ ना, आप ये समझ रहे हैं कि आप बड़े अशरफुल मखलूकात हैं। नहीं है, आप नीचे आ जाइए, आप सर आपसे स्मार्ट है, कुत्ते से, जो है ना जानवरों से तो बेहतर कुत्ते है। इतने स्मार्ट है, यू डोंट अंडरस्टैंड कि कुत्ते कितने स्मार्ट है। आपको मैं एक बात बताऊं, कुत्तों को टाइम का नहीं पता होता है, मगर मेरे पास कुत्ता है ना, मैं जानती हूँ वो कितना स्मार्ट है। उसको 5:59 होते हैं, उसको पता है कि खाना है इस वक्त, उसको ये पता है कि मैंने बच्ची को स्कूल कब छोड़ने जाती हूँ या मैं कब शॉपिंग के लिए गई हूँ। वो उस टाइम पे भौंकेगा नहीं, उसको पता है वापस आ रही है फौरन। ठीक है ना, कुत्ते बड़े स्मार्ट होते हैं। आप इंसानों को कहाँ वो कर रहे हो यार, डॉग्स आर सो मच लॉयल। और लॉयल्टी, लॉयल्टी आप कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो, हॉर्स या कुत्ता लॉयल? इंसान कहाँ से लॉयल हुआ, हर जहां देखो हर किसी को धोखा धोखा धोखा। यहाँ पे भाई भाई की गर्दन काट रहा है, मुसलमान मुसलमान की गर्दन काट रहा है यहाँ पे, मेरा और ख्याल आप है कह रहे आप, हो आपको इंसानों से नफरत है क्योंकि आपका तजर्बा बुरा है, शायद इस वजह से। नहीं, मुझे इंसानों से नफरत नहीं है, मगर इंसान धोखा देता है, कुत्ता धोखा नहीं देता है। ठीक है ना, कुत्ता अच्छा है, इंसान भी अच्छे होते हैं, मगर हर इंसान अच्छा नहीं होता। जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ शबीर भाई, आप मुझे ये बताएं जी कंप्यूटर ज्यादा जहीन है कि उसको बनाने वाला इंसान? इंसान ज्यादा सही है। तो फिर इंसान को बनाने वाला कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है, अल्लाह है कि जी मेरी खुदा है माँ? अल्लाह। चलें, माँ माँ का कोई अमल दखल नहीं। माँ का भी मेरे अमल को दखल है। हाँ नहीं, मैंने तो सुना था कि माँ रखती है, कोई 9 महीने पेट में भी रखती है, जी और जब एक अच्छा सा बच्चा पैदा हो जाए, सेहतमंद बच्चा पैदा हो जाए, तो लोग कहते हैं अल्लाह ने आपको जवान सा बेटा दिया है। अगर वो अच्छा सा बच्चा पैदा ना हो, उसमें कोई आप कह लें कोई फॉल्ट आ जाए, मैं उसको क्या मतलब फिजिकली इतना स्ट्रोंग ना हो, तो सारा कसूर डाल दिया जाता है औरत के ऊपर। तो वो अल्लाह के ऊपर फिर कसूर क्यों नहीं डाला जाता, वो भी तो अल्लाह पे ही डालना चाहिए। अब मैं ये समझ रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे अभी मैंने कहा कि कंप्यूटर जो है वो जहीन नहीं है, उसको बनाने वाला इंसान जहीन है, ये जब आप कहते हो कि ये औरत आधी अक्ल की है, अब मेरी बॉडी में मेरी माँ के क्या डीएनए नहीं है? सारे कोड जो हैं वो मेरे लिए हैं, अपनी मदर से लिए हैं, अपने वो फादर बड़े से मिली है ना। जीनियस। हाँ जी, वो बड़ी जीनियस थी, बड़ी स्ट्रांग थी, मैं भी बड़ा स्ट्रांग हूँ। मुझे बताइए अल्लाह ने यहाँ कहाँ से आ गए, जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमको पैदा किया। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपकी वालदा ने आपको पैदा किया, तो आपकी वालदा को किसने पैदा किया ये बताएं। तो मेरी वालदा को मेरी नानी ने पैदा किया। किसी जगह तो रुकना पड़ेगा ना, जिंदगी जब स्टार्ट हुई तो उसको जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ वही, फिर हम पीछे हिस्ट्री में जाते हैं ना, हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता तो चलता हिस्ट्री है में कि किसी का भाई तो रुकना पड़ेगा ना, इवोल्यूशन वो हुई किसी है, का तो रुकना इवोल्यूशन पड़ेगा। हुई है, वो तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वहां से इवोल्यूशन से अरब पहले चले अरब गए, सालों का फिर एवोल्यूशन है, फिर क्या बना, छोटे छोटे चूहे कोई बने, फिर वहां से कोई दो बंदर मिसाली बने, बातें फिर वहां बताएं। से एप्स बने, फिर वहां से गोरिलाज बने, एंजल जी, इस फिर चीज पे सारी बात हो गई है, एवोल्यूशन में हमने इनसे बात कर ली है, बस अब चल आगे बढ़ती हूँ मैं, चले आपको ठीक है, मैं छत्तर है तो मैं आगे चले बढ़ती हूँ, ठीक है, दोबारा जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक चलिए, यू मैडम, थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।